कुछ ही घंटों पहले पाकिस्तान ने भारतीय एयरफील्ड्स पर हवाई हमला किया है। सुपरस्टार सनी देओल हिंदी सिनेमा के ऐसे सुपरस्टार हैं जिनको अपनी बेहतरीन एक्टिंग, दमदार डायलॉग और एक्शन के लिए जाना जाता है। साथ ही सनी देओल ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक जबरदस्त मूवी दी है और आज भी फैंस सनी देओल की हर एक मूवी के लिए उतना ही ज्यादा एक्साइटेड रहते हैं जितना कि पहले रहते थे। तो वहीं 22 साल के लंबे इंतजार के बाद फाइनली उनकी मच अवेटेड मूवी गदर 2 रिलीज होने जा रही है। साथ ही मेकर्स ने मूवी का टीजर भी रिलीज कर दिया है जो कि लोगों को काफी ज्यादा पसंद भी आ रहा है और फैंस मूवी के लिए काफी ज्यादा एक्साइटेड भी है उनको एक बार फिर से तारा सिंह के रोल में देखने के लिए। वहीं गदर 2 के बाद सनी देओल एक और बड़ी मूवी लेकर आने वाले हैं जो कि गदर 2 की तरह वॉर स्टोरी पर बेस होने वाली है जिसका नाम है लाहौर 1947। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना। आपको बता दें ये मूवी सनी देओल के करियर की सबसे बड़ी एक्शन मूवी होने वाली है। ये मूवी गदर की तरह देशभक्ति पर बेस होने वाली है। मूवी की थीम भी लगभग गदर की तरह ही होने वाली है। मूवी में हमें सनी देओल का जबरदस्त एक्शन भी देखने को मिलने वाला है और जब से मूवी के अनाउंसमेंट हुई है फैंस काफी ज्यादा एक्साइटेड हैं इस मूवी के लिए। वहीं बात करें मूवी के स्टार कास्ट की, सनी देओल के साथ उनका बेटा करण देओल भी नजर आ सकता है और खबरें ये भी निकल कर आ रही है कि मूवी में फीमेल लीड में हमें राजकुमार संतोषी के डॉटर तनीषा संतोषी इस मूवी में बॉलीवुड में अपना डेब्यू करती हुई नजर आने वाली हैं। बात करें मूवी के डायरेक्टर की तो मूवी को राजकुमार संतोषी के डायरेक्शन में बनाया जाएगा जो कि सनी देओल के साथ पहले भी घायल, दामिनी जैसी कई ब्लॉकबस्टर मूवी दे चुके हैं। वहीं हाल ही में राजकुमार संतोषी जी ने अपने एक इंटरव्यू में बताया कि मैं सनी देओल के साथ एक बड़ी मूवी करने जा रहा हूं जिसका नाम है लाहौर 1947 और उन्होंने ये भी बताया कि मूवी का शूट भी जल्दी शुरू हो सकता है। वहीं बात करें मूवी के बजट की तो मूवी का बजट लगभग 100 करोड़ का होने वाला है जो कि गदर 2 के बराबर है जिसका मतलब कि मूवी में जबरदस्त एक्शन सीन देखने को मिलने वाले। वहीं बात करें मूवी की रिलीज डेट की तो मूवी का शूट जल्दी ही स्टार्ट होने वाला है और अगर सब कुछ सही रहता है तो ये मूवी हमें अगली साल यानी कि 2024 में देखने को मिल सकती है। तो दोस्तों आप सब लाहौर 1947 के लिए कितने ज्यादा एक्साइटेड हैं?